सूरज साहू हत्याकांड में मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर आप पार्टी के साथ भूख हड़ताल पर सप्ताह भर से धरने पर बैठे परिजनों की जिला प्रशासन ने कुछ मांगों को पूरा कर धरना प्रदर्शन का समापन करा दिया। आपके नेताओं ने विधायक पर कटाक्ष करते हुए इसे शहर का दुर्भाग्य बताया। दुर्ग में मारपीट की घटना, मृतक सूरज साहू मौत के मामले में मुआवजा को लेकर सप्ताह भर से मृतक की विधवा और उसके परिजन दुर्ग पटेल चौक पर भूख हड़ताल पर बैठे थे और अपना आंदोलन कर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे थे, जिस पर न तो जिला प्रशासन ध्यान दे रहा था और न ही शहर के जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे थे। तब परिजन आप पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की नीयत से बुधवार को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किए जाने की तैयारियों में थे। जैसे ही इसकी सूचना जिला प्रशासन तक पहुंची तो जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री विभाग से चर्चा किया, जिस पर उन्हें इस तरह से हत्या के मामले में कहीं भी मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है बताया गया, जिसके प्रति संवेदना जताते हुए विधवा की अनुकंपा नियुक्ति और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। इसके बाद बुधवार को धरना प्रदर्शन को परिजनों की सहमति से आप पार्टी ने समाप्त कर दिया है। इस मामले में आप पार्टी के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष दी। दुर्ग शहर का दुर्भाग्य है कि दुर्ग के विधायक का एक कोटेशन है, मतदाता मेरे भगवान और जनता मेरी ताकत, ये अरुण वोरा जी दुर्ग के सार्वजनिक सभाओं में ये इस बात का को बोलते हैं, लेकिन उस कोटेशन के उनके शब्दों को हमने यहाँ पे देखा कि एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है उसका भी निर्वाह वो ढंग से नहीं कर पाए और इतने बड़े दुख के इस घड़ी में इस परिवार में इतना बड़ा वज्रपात हुआ और इसी जिले के अंदर भिलाई विधानसभा में एक मुआवजे में 50 लाख रुपए के सहायता राशि दी गई, उस परिवार को नौकरी दिया गया, उस परिवार को बच्चों को सुख सुविधा दिया गया, कोहका में जो मौत हुई मर्डर हुआ उसमें सुख सुविधा दिया गया। आखिर दुर्ग के इस सूरज साहू की इस घटना में आखिर क्यों इतना सहायता राशि क्यों प्रदान नहीं की गई? और मैं मेरी व्यक्तिगत समझ के हिसाब से यदि हमारे दुर्ग शहर के आम आदमी पार्टी के मेहरबान सिंह जी यदि नहीं होते, यदि डॉक्टर एस के अग्रवाल नहीं होते, यदि ज्योति मैडम नहीं होती और एस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस परिवार के साथ रात दिन नहीं खड़ा होते तो आज ये जो एक लाली पाप दिए हैं ये संविदा नौकरी का, ये भी इनके हाथ में नहीं मिलता। इतना बड़ा भेदभाव, इतना बड़ा दुर्भाग्य बोला जाए इस ऐसे जनप्रतिनिधियों का। एक सांसद मंत्री जो है वो ये बोलते हैं कि मैं सीएम हाउस में आपकी खबर को पहुंचवा दूंगा, ये बोलते हैं विधायक बोलते हैं मैं वहां पहुंचा दूंगा। आप जनप्रतिनिधि यहां के जनता के सेवक हैं, यहां पे आप अपनी जनता के लिए क्या कर रहे हैं? आपकी जनता और आपके जनता लोगों ने जो आपको वोट दिया वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आपके जैसे निरंकुश और घटिया विधायक को चुन के आने वाले समय में आपको भुगतान भोगना पड़ेगा इस शहर के अंदर। 21 तारीख को सुबह सूरज की मौत के पश्चात हमने तुरंत जिलाधीश महोदय को अपनी मांगों की का ज्ञापन सौंपा, जिसमें पत्नी को सरकारी नौकरी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और 50 लाख मुआवजे की हमने मांग की थी और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात की थी। उस दिन हमने दिन भर प्रदर्शन किया, रात को बारिश में भी हमने प्रदर्शन किया। अगले दिन हमने सूचना देकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल लगाकर यहाँ पर टेंट लगाकर बैठे। प्रशासन हरकत में आया लेकिन टालमटोल की स्थिति बनी रही। परसों जब हमने सीएम साहब के आवास का घेराव की सूचना दी तो कल आनन फानन में प्रशासन सक्रिय हुआ। हमारे काफ़ी साथी बिलाई 3 आवास के पास पहुंच गए थे, वहां बैरिकेडिंग सब हो चुकी थी, हम लोग यहां से निकल चुके थे। अचानक मुझे 12 बजे फ़ोन आया, कलेक्टर साहब मुलाकात के लिए बुला रहे हैं। सीएसपी साहब से मुलाकात हुई 1 बजे, उन्होंने कहा 3:30 बजे कलेक्टर साहब और एसपी साहब मुलाकात करेंगे परिवारजनों के साथ में, आप लोग आइए। हम लोग गए वहाँ पर लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ। उन्होंने कहा था कि हम सीएम साहब से बात हो गई है, उन्होंने कहा सीएम साहब ने मना कर दिया है, ऐसा मुआवजे को कोई प्रावधान नहीं है। कारण उन्होंने बताया कि राज्य में हर महीने 50 मर्डर होते हैं, अगर सभी को ऐसा मुआवजा देना चालू किया जाएगा तो विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए सीएम साहब ने कहा कि 2 केस में जो मुआवजा दिया गया है उसके पश्चात अब किसी को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोग पोस्टमार्टम हो जाने दीजिए, बाकी हम लोग और कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके। उन्होंने सरकारी नौकरी की बात मान ली, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात मान ली,
और मुआवजे के लिए उन्होंने कहा कि ओजरी से हम आपसे समय लेकर आप लोग से मुलाकात करवा देंगे और मुख्यमंत्री साहब से आप बात कर लेना। एक 60-70% सफलता की तरफ मानेंगे और बाकी जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि सीएम साहब से मुलाकात करके मुआवजे के ऊपर बात करेंगे। अभी जो रिलीफ मिला है करंट में वो SDM साहब ने पत्र दिया है नौकरी का, संविदा नौकरी का कलेक्टर रेट पर, और बच्चों की पढ़ाई का उन्होंने कन्फर्मेशन दिया है कि बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करेंगे। ये दो चीज़ें ऑन पेपर हो चुकी है। और जो मुआवजे की बात है उन्होंने कहा CM साहब के OSD से मिल करके इसके ऊपर भी काम करेंगे। पीड़ित परिवार के कन्फर्मेशन सहमति के बाद ही ये कार्य धरने को समाप्त किया गया। और हमारे साथ एक और बहुत बड़ी समस्या ये थी, जो जिन्होंने हत्या की है वो पोस्टमार्टम जितना लेट होगा उतना साक्ष्य मिट जाएगा, तो पोस्टमार्टम कराना हमारे लिए मजबूरी थी, तो इसलिए हम लोगों ने आज उनके मृतक के परिवारजनों ने आज सहमति दे दी। जिस तरह से न्याय की गुहार लगाते पिछले एक सप्ताह से धरना प्रदर्शन कर मृतक सूरज साहू का पूरा परिवार सड़क किनारे बैठ आंदोलन कर रहा था, तो वहीं सर्व समाज के प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव कुमार लंगूर सोनी ने सभी राजनीतिक पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए मृतक परिवार से मुलाकात की और शहर के विधायक अरुण वोरा का मृतक परिवार के साथ दोहरा रवैया पर आक्रोश जताते हुए मृतक की विधवा से अपनी संवेदना जताई। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष प्रतिक्रिया दी। ये सूरज साहू का मामला नहीं है, पूरे साहू समाज का मामला था। और दुर्ग शहर में हमारे दुर्ग के विधायक अरुण वोरा जी, उनकी जितनी भी हम बोले उनकी गलतियां, तो गलतियां ऊपर गलतियां हो रही है। यह दुर्भाग्य है हम दुर्ग शहर के मतदाताओं का कि हम ऐसे विधायक को चुनकर जो है ना भेजे थे कि उनके मतदाता ख़त्म हुआ, यहाँ उनके हाल चाल तक के लेने नहीं आया कि किस कंडीशन में वो बच्चा ख़त्म हुआ। कम से कम एक मानवता के दृष्टिकोण में तो विधायक को आना चाहिए कि विधायक का जो है ना कोई धन दौलत मांग रहे थे क्या? ये मतदाता ही उसको जो है ना बैठाए हैं, और जो धन दौलत आज उस घर में है तो ये मतदाताओं का ही है। और आज इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं वो नहीं बोलना चाहता, एक मानवता दृष्टिकोण से, एक दुखद परिवार की ओर से मैं बोल रहा हूँ। जिस तरीका से आज उनको जो सहयोग मिलना था उस परिवार को वो जो हक और अधिकार की हम बात करते हैं उनको कुछ भी नहीं मिला है। बाकी ऐसे मामले हुए हैं प्रदेश में, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, जो हत्याएं के दृष्टिकोण से ही वो गिनती आती है, उनको मुआवजा दिया गया है, बकायदा उनको शासकीय नौकरी दिया गया है, लेकिन यहाँ जो है दुर्ग शहर में हम यहाँ के मतदाता हैं तो सरकार को जो निर्णय लेना था वो सरकार ने भी निर्णय नहीं लिया, और ये भी हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।